नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, सभी परीक्षार्थियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा था TGT का स्टेट का पेपर, यानी कि लेवल 2 का। अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर दे के आए होंगे आप भी। हिंदी TGT जो दे के आई है, उस पेपर की बात कर रहे हैं हम। मेरे हाथ में है सेट हिंदी TGT का, और प्रश्नोत्तर करेंगे हम। कोशिश करेंगे अच्छे आपको एक्सप्लेन करके सारे प्रश्नोत्तर बताने की। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न हमारा, किस विकल्प में, इससे पहले हम आगे बढ़े, जो हमारे नए बंधु आए हैं, जो भी साथी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार प्रेम बनाते रहे, ऐसे ही बनाए रखें और बने रहे साथ ही। 91वां प्रश्न, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा देखनी है हमें, तो पंडिताई, चढ़ाई, तरुणाई, चतुराई, चतुर, तरुण और पंडित, ये सारे जो है वो क्या है? ये तो धातु है, और चढ़ना जो है वो क्रिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा पहले का बी, यानी कि 2। 91 का 2 रहेगा। उसके बाद 92वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या 92वें प्रश्न में किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? अंगारे पर लौटना क्रोध प्रकट करना नहीं है, संकट में डालना होता है, और जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, हाथ पांव मारना, अनुनय विनय करना, ये भी नहीं है, दाल न गलना, वस न चलना, ये है, दाल न गलना, वस न चलना, चौथा ऑप्शन रहेगा इसका। सही मुहावरे का अर्थ ये है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम। 93वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पौरुष रामायण। अब आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी 9वीं से 12वीं तक की, और उसमें मैंने लेख कवि परिचय करा रखे हैं, और उसमें मैंने आपको ये सारी बात बताई है। ये भी बताया था कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली ब्रज भाषा में, बाकी सारी अवधि में है। तो यहाँ पर उनकी पौरुष रामायण उनकी नहीं, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और कवितावली तीनों तुलसीदास की है। इसका ऑप्शन रहेगा 4। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 94वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक, अगर हमने अव्यय पढ़े हुए हैं व्याकरण में, तो हमें पता है अव्यय जो किसी भी रूप में व्यय ना हो, यानी कि एज इट इज बने रहे, और अव्यय के फिर आगे आपने 5 भेद होते हैं, जिसमें समुच्चय बोधक भी एक है। समुच्चय बोधक जो एक वाक्यों को ना, जो शब्दों का आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ईमानदारी और परिश्रमी, और आ गया यहाँ पे के लिए, आ गया राहुल तेज है किंतु, आ गया यहाँ पे परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए, ताकि आ गया पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, ये आ गया हमारा। अब इसका उत्तर रहेगा 94 का 4, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। उसके बाद अगला देख ले, 95वां प्रश्न देखते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने उत्तर मध्य काल को संज्ञा दी है, उन्होंने उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? अब आपने अगर काल विभाजन पढ़ा होगा, इसमें भी वीडियो थी और उसमें पूरा काल विभाजन डाला हुआ था, और उसमें दिया गया था 95वां प्रश्न, और इसका उत्तर रहेगा उन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया है उसको, यानी कि ए ऑप्शन रहेगा, ए एक ऑप्शन रहेगा इसका, ए श्रृंगार काल। उसके बाद अगला देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 96, किस विकल्प में से कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? मार्तंड, दिनकर, आदित्य, अर्क, सविता, दिवाकर, भास्कर, अर्णव। अब सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, भास्कर सूर्य का है, अर्णव और सविता, ये अब दोनों में इनमें डाउट है, सविता में, और सविता, सरिता, सविता क्या होती है? अब यहाँ पर ये तीसरा इसका और ये, तो इसमें चौथा या तीसरा दोनों में से कोई एक रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, 96वां प्रश्न देख 97वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है, सप्तकों की कवियों की मैंने एक थोड़ी थोड़ी ट्रिक सी भी बताई थी 1-2 वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो। बार बार हमने सप्तकों का जिक्र किया था, तो अवधेश कुमार, यमुना, सुमन राजे और राजेंद्र किशोर, ये तो चौथे सप्तक के है तीनों। विजय देव नारायण शाही जो है चौथे सप्तक के नहीं है, जब बात दूसरे और तीसरे सप्तक की बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था विजय देव नारायण शाही के बारे में। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न कौन सा कह क्या कहता है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये +1 की किताब में है, कुंवर नारायण और उनका जिक्र है ये यहाँ पे, तो उनका काव्य है 98वां प्रश्न, और इसका उत्तर 2 रहेगा, 2 है आत्मजयी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, मैंने जब पढ़ा था तब भी आपको बताया था, और ये रचनाओं में बिल्कुल करवाया था मैंने। उसके बाद अगला देख लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सौहार्द विभीषिका गलत है, सुसुरवा भी गलत है, शिष्ट ये भी गलत है, सौहार्द 1 नंबर आएगा इसका, ये सौहार्द यही सही है, 1 इसका सही उत्तर है।
उसके बाद सौवां प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है सौवां प्रश्न। जठर और जरठ शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? जरठ का मतलब बूढ़ा होता है और जठर का मतलब पेट होता है। बिल्कुल, तो पहला आएगा इसमें उल्टा, जठर का मतलब पेट होता है और जरठ का मतलब बूढ़ा होता है, तो एक ऑप्शन आएगा इसका। ये देख लीजिए क्या है, एक ऑप्शन रहेगा इसका, यानी कि एक है इसका सही। उसके बाद अगला देख लेते हैं, 101वां, नाथ पंथ नानाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग योग, मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, यानी कि नाथ संप्रदाय के बारे में विभिन्न विभिन्न मत जो है लोगों के, और ये नाथ इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत कुछ लिखा है, तो ये कथन भी उन्हीं का है। नाथ पंथ के बारे में किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 102वां प्रश्न है। इससे पहले आगे बढ़े बंधु जो है ना, हमारे नए बंधु आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे से देखें। ये सिर्फ उत्तर कुंजी देनी हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें इन प्रश्नों के बारे में अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि किसी कारण से हमारे गलत हो गए तो भविष्य में ये गलत ना हो। निमित्त क्योंकि पेपर में एक बार हम गलत देख लेते हैं और उसको ठीक करते हैं तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलते। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? क्षेत्र मुक्तापर्ण, मुझे तो पहले ही लग रहे हैं, पढ़ लेते हैं और भी। पूस मोल श्री नैन, इसमें नीम नारियल ततुरा, ये तो नहीं है। गे है, डे है, ठा है, ये भी नहीं है। क्षेत्र बिल्कुल है, खेत मुक्ता मुक्ता मणि यानी कि पर्ण घास, ये है। ए आएगा तत्सम, यानी कि संस्कृत के जो के तो शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, एक नंबर इसका ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 103वां क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन है? स्पर्श भी है, कैसे मैं तक तो स्पर्श है, तो कैसे मैं तक देख लेते हैं हम। पहला तो स है वैसे ही चला गया, और यह रल है ये भी वैसे ही चला गया। अब प फ ब द ये हो गया, और स्पर्श तो है फ ब द सारे, लेकिन अल्प प्राण देख ले हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहली तीसरी और पांचवी, प क ग ट, हाँ ये तीसरा ऑप्शन आएगा 103 का। ऑप्शन उत्तर है हमारा 103 का, तीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 104वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 104 प्रश्न में छिपा हुआ है, विपल्लव गायन कविता कविता का मूल भाव क्या है? नौवीं के सिलेबस में है विपल्लव गायन, आठवीं के में है शायद विपल्लव गायन, और उसमें क्या है? अवसरवादिता के प्रति व्यंग है, आठवीं में ही है और आठवीं के एनसीईआरटी में है। कल मैं करवा भी रही थी, अगर आठवीं का रह गया था किसी कारण से मेरा, नहीं तो जो ना बना तो रखी थी वीडियो लेकिन वो अधूरी रह गई थी। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं उसको। अवसरवादिता के प्रति व्यंग, जड़ता के विरुद्ध विकास, हाँ ये आएगा इसका दूसरा, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता है, दूसरा ऑप्शन रहेगा 104 का। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 105वां प्रश्न क्या कहता है। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न थोड़े ध्यान से करने के होते हैं। तीन में न तेरह जो किसी गिनती में न हो, नगण्य हो, लाठी टूटी सामने बिना किसी हानि हो, ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बिल्कुल ठीक है। नेकी कर भलाई का बदला बुलाई, बिल्कुल तीसरा आ जाएगा हमारा इसका, यानी कि तीसरा है नेकी कर दरिया में डाल, इसका भलाई का को करके भूल जाना होता है, बुराई करना नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद 106, किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य है? तालु से बोली जाती है, तालु से कंठ से कै वर्ग कंठ से, और उसके बाद जैसे जैसे वर्ग बढ़ता बाहर निकलते आओ, तो तालव्य से अगला ही वर्ण है च छ ज, तालु से बोला जाता है। तो और उसके साथ य और स जो वर्ण है वो भी स्पर्श में अगर लें तो हम स द्रव्य वाला और अंत्यस्थ का यह वो भी तालव्य से बोले जाते हैं। तो इसमें स दूसरे ऑप्शन में दिया गया है चवरक के साथ, तो ये हमारा चवरक के साथ दूसरे ये आएगा दो, 106। उसके बाद अगला देखिए 107वां क्या कहता है। अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत भिनार्थक शब्द युगम का कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब सुनाई तो एक जैसे देते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। चीर 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 और चीर, चीर का मतलब कपड़ा, और ये उल्टा दे रखा है इसमें। नीरद नीरद कमल, और ये बिल्कुल सही है। 107 का जो है वो ऑप्शन दो रहेगा, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आगे बढ़िए, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा और आपके प्रश्न सही निकल रहे होंगे। पेपर आसान ही लग रहा है मुझे तो, पीजीटी का मुश्किल था, बल्कि टीजीटी का तो आसान ही है क्योंकि बेसिक बेसिक सी चीज़ें पूछी गई है इसमें। उसके बाद अगला देखिए 108वां प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द त
तद्भव है। तद्भव से क्या अभिप्राय है? जो शब्द है तो संस्कृत के लेकिन वो बिगड़ के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पे सोपन लक्ष्य पहर ये तो तत्सम है, मुकुट कपूर ग्वाल हल्दी, कर्पूर उसे कपूर और ग्वाल हल्दी, मुकुट शीर्ष पृष्ठ 108 का अगर हम देखें तो ये भी शीर्ष पृष्ठ मुकुट, तीन संध्या सिंह सौभाग्य इसमें भी नहीं है, इसमें मुकुट शीर्ष और पृष्ठ दो तो है, कपूर ग्वाल और हल्दी ये संस्कृत, दूसरा और तीसरा इसमें 108 का दूसरा होगा या तीसरा, दूसरा होगा इसमें क्योंकि इसमें यहाँ है, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, शीर्ष और पृष्ठ तो ये है तो दूसरा ही आएगा इसमें 108 है। उसके बाद 109 देख लीजिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, यानी कि हमें देखना इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन है। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, सही है, उसने इन बात पर आपत्ति, इन बातों पर आपत्ति प्रकट की। दूसरा ही आ जाएगा, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन रहेगा इसका, दूसरा शुद्ध नहीं है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसका 2। ये रहेगा 2, ठीक है 109। उसके बाद अगला देख लेते हैं, 110वां प्रश्न क्या कहता है। 110वें प्रश्न में आचार्य भरत ने रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र, रस अब की बार पेपर में रस गुण और अलंकार खूब जी भर के आए हैं, पीजीटी का पेपर में तो काफ़ी सारे दे रखे थे, अब यहाँ भी आ गया हमारा। आचार्य भरत ने रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? भुक्तिवाद जो भुक्त मुक्त करता है, यानी कि मुक्त कौन करता है, जो साधारण बना देता है चीज़ों को, साधारण किसने बनाया था, भट्टनायक ने बनाया था, तो 110 का उत्तर क्या रहेगा, ये मैंने पढ़ाया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, भट्टनायक आएगा इसका उत्तर, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था जिन्होंने, इन्होंने भुक्तिवाद इनके सिद्धांत को कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि भोग पर आधारित जो ना भोजतव की व्याख्या की थी इन्होंने। अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए क्या रहता था? अनुष्ठित, अनुसंस्थायक, अनुष्ठाता, बिल्कुल 3 रहेगा, अनुष्ठाता होता है अनुष्ठान करने वाला। उसके बाद 112वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विलोम युग्म है? ग्रह अनुग्रह, असीम ससीम, अज्ञ अनभिज्ञ, विज्ञ अज्ञ मतलब और अनभिज्ञ, ये तो एक जैसे ही हो गए, यानी कि जो न जानते हो, विज्ञ का मतलब होता है जानकार, अज्ञ का मतलब न जानने वाला, और अनभिज्ञ न, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो, सहसीम जिसकी सीमा हो, तो इसका ऑप्शन है वो 2 रहेगा। ये हमारे बहुत सारे बंधु इसमें भी पजल हो गए थोड़े से, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ये 2 तो ऊपर और नीचे वाले तो छोड़ जाएंगे। उसके बाद 13वां देख लीजिए, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति किस कवि के संबंध में है? दादू दयाल कबीर जी के संबंध में है, उन्होंने कबीर ने लिखी है पंक्ति कि मैंने कभी कागज ये उनकी कही हुई है, और उनके कबीरदास की सारी वाणियों को उनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित करवाया था बीजक नामक ग्रंथ में, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कबीरदास जी ने गाया गाया है। 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसे सात्विक अनुभव है, जो सात्विक अनुभवों की, जो 8 प्रकार के सात्विक अनुभव उनकी बात हुई है, अगर रस आपने पढ़े है तो उसमें विभाव अनुभव और फिर आगे 4 प्रकार के विभाव होते हैं, उसके फिर काई जो एक सात्विक होता है, सात्विक के फिर 8 भाग है उसमें, तो उसमें अश्रु है, औदार्य है, 114 प्रश्न, अश्रु है औदार्य तो नहीं है, कंप भी है और प्रलय भी है, ये बिल्कुल है, तो इसमें दूसरा आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा 2, औदार्य नहीं है, ठीक है 114 का 2। उसके बाद देखेंगे अगला 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है हमें, कंठे अघोष एवं अल्प प्राण वंच है, बिल्कुल कह कंठे है वो घोष है, अल्प प्राण है बिल्कुल है, ढय मूर्धन्य है, अघोष एवं महाप्राण है, टय ठय डय ढय बिल्कुल मूर्धन्य है और अघोष भी है और महाप्राण भी है, स न प ओष्ट अघोष एवं अल्प प्राण है, 115वां पै भी सही है, ओष्ठ भी है, घोष भी है और अल्पप्राण भी, पै फै फै महाप्राण हो गया, पै अल्पप्राण है, रै लुंठित घोष एवं महाप्राण वंजन है, हाँ ये आ गया, रै लुंठित जो है ये कथन है सत्य है, रै जो है वो लुंठित घोष एवं महाप्राण व्यंजन नहीं है, यानी कि इसका उत्तर रहेगा हमारा क्या रहेगा, 4 रहेगा, 4 आएगा इसका ऑप्शन, कौन से का, 115 का। उसके बाद देख लीजिए आगे देखते हैं, 116वां प्रश्न क्या कहता है। 16,
जो हमारे नए बंधु आए हैं या जो भी देखने वाले हैं हमारे, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये जितना अभी तक मैंने पेपर करा है 190 से 115 तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो। जो अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो उनमें बिल्कुल आपको मिलेंगे, सारे प्रश्न करवाए हुए हैं, इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है अभी तक जो ना आया हो। आगे का तो अभी मैं पेपर देखूंगी तो बताऊंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखें, स्किप करके देखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी भाई। अगला है 116 प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में असंगत कथन है। प्रेमाख्यान काव्य के, प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, 116 का ठीक है। प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत है, प्रेमाख्यान काव्य का शांत रस कैसे हो सकता है? दूसरा ही ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे, तो फिर भी देख लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का भी बिल्कुल हुआ है। प्रेमाख्यान काव्य पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवोत्तर श्रेणी के, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा ही रहेगा इसमें, क्योंकि क्या है जो प्रेम आख्यान काव्य है उसमें शांत रस नहीं, उसमें तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, चाहे वो विरह हो, चाहे वो सगुण हो, चाहे वो विरह रूप में हो, चाहे वो उसमें आलंबन रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, तो वो श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी, उनके पत्थरों और चट्टानों, किताबों को पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक के पिता के पत्र पुत्री के नाम, 7वीं क्लास में है ये, और 6ठी क्लास में, सॉरी 6ठी क्लास का चैप्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखा था, तब संसार एक पुस्तक है पाठ का नाम है, और अभी अभी मैंने करवाया था कल परसों ही। अगर आपने वीडियो देखी होती तो ये प्रश्न सही होता और ये गलत हो गया। ये पेपर मेरे पास भेजा है उनके भी मैं आभारी हूँ, और पहले पीजीटी वाले भी पेपर जो है ना सुमन दहिया ने भेजा था, ये पेपर भी जो है ना मीनाक्षी शर्मा है शायद हमारी जो अच्छी श्रोता है, देखती है वीडियो, दर्शक है, मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम से पेपर भेजा और मैंने थोड़ी सी मेहनत करके इसको की बनाई आपके लिए। देखिए आगे क्या है, 118वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है हमें देखना, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, 118वां प्रश्न, और इसका अगर उत्तर लें हम तो क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि सहकर्मक क्रिया है धावक, ये तो अकर्मक है। महेश अध्यापक बन गया। अब अकर्मक और सहकर्मक का मैंने क्रिया का चैप्टर कराया था, तो ये बात बताई थी कि आपको प्रश्न करना है क्या, और कुछ नहीं करना, और क्या का अगर एकदम से उत्तर आ जाए तो आप समझना कि वो सहकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो मोहन अध्यापक बन गया, अब आपको क्या कोई उत्तर ही नहीं आ रहा, अध्यापक बन गया, वो अध्यापक कर्म जो है ना वो कर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, पहली बात तो ये वाक्य हमारा गलत, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वह तालाब में तैर रही है, इसमें भी नहीं है क्या रामायण, तो ये आ गया तीसरा। तो 118वें का उत्तर हमारा क्या रहेगा, तीन रहेगा, तीन में सहकर्मक क्रिया है क्या रामायण, क्या का उत्तर एकदम आता है टू द पॉइंट, यानी कि रामायण तीसरा। लहासा की ओर रचना किस विद्या में है, ये लहासा की ओर भी 8वीं का पाठ है, और ये जो एक यात्रा वृत्तांत है जब लेखक लहासा में गया था तो वहाँ उनको किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वहाँ के लोगों के बारे में राहुल शांकरतैन का ये जो है यात्रा वृत्त है, और ये भी मैंने करवाया था, बताया था आपको पीछे। उसके बाद 121वां, निम्नलिखित में से किस पद में वह उपसर्ग नहीं है, वह उपसर्ग की बात करनी है, वह प्लस नाम, वह प्लस खैर, वह प्लस दस्तूर, वह प्लस पोती, पोती नहीं होता, बपोती तीस चौथा आएगा इसमें, बाकी सारे होके अपने सार्थक अर्थ निकल आते हैं, धातु मूल धातु निकल आती है और ये आ जाएगा चौथा, ठीक है, वो पोती धरोहर के लिए होता है। कैदी और कोकिल कविता की रचयिता कौन है, बहुत अच्छी कविता है कैदी और कोकिल, 9th क्लास की कविता, और माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि है, एक कोयल को कवि अपनी सखी मान के रात्रि में उसको कैद के अंदर है वो कवि, तो और कोयल रात को बोलती है और उसका जिक्र करता है, बहुत ही सुंदर कविता है कैदी और कोकिल, राष्ट्रीय भक्ति की भावना है इसमें। और उसके बाद अगला है प्रश्न 123वां, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत ही मज़ेदार सा पेपर है, और ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें जो हम यूँ कहे कि बहुत मुश्किल है। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी अच्छे से कर रखी थी तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो भी देख रखी थी तो इस 60 में से आपके लगभग अभी तक तो जितने प्रश्न आ रहे हैं एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जो उनमें मैं ना कवर हो रहा हो। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने एक व्यंग्य किया है, धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर राजनीतिक दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवाद, बिल्कुल इस पे किया है, क्योंकि वो हरिशंकर परसाई का ये है
निबंध प्रेमचंद के फटे जूते एक फोटो में देखते हैं प्रेमचंद को और उनके जूतों पे नजर जाती है, तो वो प्रेमचंद के माध्यम से आजकल की दिखावे और अवसरवादीता प्रवृत्ति पर व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि हरिशंकर प्रसाई तो है ही व्यंगवादी लेखक, उन्होंने व्यंग प्रधान लेखक हैं, उनके लेख हैं। व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत है, ये संचरणशील होते हैं, मनोविकार है बिल्कुल 124 का। उसके बाद अगला देख देते हैं, ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक बिल्कुल पहुंचाते हैं। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति बिल्कुल है, स्थायी भाव तो एक सागर है, ये एक लहर की तरह होते हैं। ये रस की सिद्धि तक स्थिर ना, ये गलत है, क्योंकि ये रस को उत्पन्न करते हैं लेकिन सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, संचारित होते रहते हैं, इसीलिए इनको संचारी भाव कहा है। ये प्रश्न थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके PGT में भी आया हुआ है भाई, ये वाला प्रश्न। उसके बाद अगला देखिए, राहुल शांकरतैन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बहुत ही, ये मैंने पता नहीं कितनी बार तो मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में भी आया है ये, तो अगर आपने देखा हो तो, और ये इसका मतलब आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखी भाई, ये सरहपाद नहीं तो आप, राहुल शांकरतैन ने तो बार बार मैंने इसका जिक्र किया है, वो किसको प्रथम कवि मानते हैं, वो सरहपाद को या सरहपा भी लिखा होता है कई बार, उनको मानते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी मैंने करवाया है आपको, बिल्कुल करवाया है, और सारे अनुच्छेदों की मोटी मोटी बात बताई थी कि मैंने 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद राजभाषा के संबंध में है, और उसमें 343A में जिक्र किया गया, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का जिक्र किया है, बिल्कुल ये मैंने करवाया हुआ तुम्हें। और आगे देखिए अगला क्या है, 127 निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? मार्तंड, मारित, मातृ प्लस अंड, ना ये तो नहीं है भाई, गलत यही लग रहा है मुझे तो, एक बार देख लेते हैं। जगत प्लस नाथ ठीक है, निरुद्धम, निर प्लस उद्धम ये भी ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग ये भी ठीक है, निर प्लस उद्धम रे के बाद अब तीसरा है इसमें, एक सौ 127वां प्रश्न, और इसका पहला और तीसरा थोड़ा सा मुझे ये भी थोड़ा इसके लिए नियम थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो पहला ही लग रहा है इसका, 127 का एक आएगा। उसके बाद 128वां देख लेते हैं क्या होगा, 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? गोविंद प्लस आ, इसमें आ प्रत्यय है, तो पहला ही लग रहा है मुझे, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। शर्मिंदा, शर्म प्लस इंदा, वासिंदा, वासी प्लस इंदा, परिंदा, परी प्लस इंदा, बिल्कुल एक ही आएगा इसका, 128वें का एक है, ठीक है। उसके बाद 129वां देख लेते हैं, 129वें क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है? मेवाती, मालवी, हाड़ोती, सेवाती, ये तो सारी राजस्थानी की है, तो इसलिए ये तो निर्विवाद रूप से एक ही बात बचती है, मगही नहीं है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये किसकी है, ये बिहारी की है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, लोकगीत के संबंध में, ये छठी क्लास में लोकगीत पाठ है और उसमें से ये प्रश्न आया है हमारा, NCERT की बुक में से कई प्रश्न आए हुए हैं। लोकगीत जनता का संगीत है, बिल्कुल सही बात है, लोक गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती, कोई साधना की जरूरत नहीं होती, यही लिखा है कि भाई उसमें शास्त्रीय संगीत की तरह साधना की जरूरत नहीं होती। वास्तविक लोकगीत देश के गाँव और देहातों में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर, बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन दो रहेगा, दो सही नहीं है, दो गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 131वां, तो कैसा लग रहा है फिर आपको, लग रहा होगा पेपर स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा प्रश्नोत्तर देख के, चलो देखिए जी मिला रहे होंगे कि आप भी। 131वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं? बेशक, मृत्युपर्यंत, पहला बेशक, बिना शक के, न तत्पुरुष हो गया है तो बिना, न मृत्यु पर्यंत ये अविभाव है, भलमानस, भरसक, भलमानस नहीं है ये, भरसक है, देशांतर, हर रोज, देशांतर नहीं है, हर रोज है, आप बीती, प्रत्यागमन, प्रति, अव्यय आ गया, आप भी, तो इसमें चौथा ऑप्शन रहेगा, यानी कि 131वें का ऑप्शन चार है सही इसका, 131 का चार नहीं, आप वित्ति, प्रति प्लस आगमन, प्रति आप में वित्ति, इसका ये नहीं है भाई, सॉरी ये चौथा, इसमें बेशक, बिना शक के, मृत्यु पर्यंत, ये एक ही आएगा इसमें, ठीक है, बिना शक के और मृत्यु पर्यंत, बेशक न, बिना न वाले जो न तत्पुरुष में भी ले जाते हैं, लेकिन ये नकारात्मक वाला नहीं है, ये सामान्य है, तो इसलिए एक में आएगा ये, तो इसका 131 का एक रहेगा,
चार नहीं रहेगा। ये दोबारा देख लीजिए, बेसिक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 131वां प्रश्न। और 131वें प्रश्न के बाद इसमें क्या दिया है, 131वें प्रश्न में बेशक बिना शक के मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, मृत्यु होने तक, तो ये दोनों ही मुझे तो अभी भाव लग रहे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। भलमानस भरसक परसक में है, भलमानस में नहीं है, देशांतर हर रोज में है, आप बीती में नहीं है और प्रत्यागमन में है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, बेशक के ऊपर वाला एक आएगा, इसका ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, एक है बेस, ये एक आएगा 131 का एक। उसके बाद 132वां देख ले, इस प्रकार कवि की मरम भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद देवी का यह कथन किस कवि के प्रति है, ये प्रश्न भाई इस पाठ में से प्रश्न एक पीजीटी में भी लिया गया था, एक था कुत्ता और एक थी मैना, उस पाठ से है ये, रविंद्रनाथ टैगोर माखनलाल चतुर्वेदी का है ना, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया है उन्होंने, जब उनके शांति निकेतन स्कूल में वो अध्यापकी करते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और तब तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, चार ऑप्शन आएगा, 132 का ऑप्शन है चार। उसके बाद अगला है, ये भी मैंने एनसीईआरटी की जो दी थी वीडियो उसमें मैंने बताया था भाई, ध्यान दिया हो, पढ़ा हो, सुना हो तो आपने, 133 देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन है, देवनागरी लिपि बाएं से दाहिनी की ओर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, नहीं देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी है, ठीक है, देवनागरी लिपि ब्रह्मी लिपि के में उत्तर भारतीय शैली में से विकसित हुई, तीसरा चौथा सही है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बिल्कुल बाएं से दाएं लिखते हैं, तो दो ऑप्शन रहेगा, 133 का ऑप्शन दो आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 134वां प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्या है 134वें प्रश्न में, और देखिए इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने बंधु बांधवों के पास भेजें, उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा करना ही, आप लोगों को सही जो है ना सहायता करना आपकी, यही मेरा प्रथम उद्देश्य है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, ज़्यादा लोगों तक बात जाती है, तो मैं मुझे लगेगा कि मैं अपने मकसद में कहीं कामयाब हो रही हूँ। तो आप देखते रहिए, जो एक मैंने ई बुक भी दी थी उसमें से भी ये सारे प्रश्नोत्तर कवर हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ने ली भी थी, वो आपने देखी भी होगी, अगर आपने वो ठीक से पढ़ी है तो इसमें से कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो साहित्य से रिलेटेड है वो ना हो, या सारे है, मैं व्याकरण की बात तो नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि उसमें व्याकरण नहीं है, वो साहित्य की बुक थी, तो उस किताब में भी ये सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डाला गया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें ना हो। और एनसीईआरटी की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी ये सारे जितनी भी अभी तक जो एनसीईआरटी के कई प्रश्न है इसमें सारे कवर हो रहे हैं, तो अगर आपने स्किप कर वीडियो देखी है तो पछताइए नहीं, अगली बार उसको पूरी देखिए, ताकि फ़ायदा हो हमारे और हमारा उद्देश्य पूरा हो। तो देखिए 134वां प्रश्न, और एक और बात बताऊँ, एक और चैनल शुरू किया मैंने आपके सहयोग से, तो वो भी मैं चाहूँगी, व्लॉग चैनल है, वो भी मैं चाहूँगी कि आपके सहयोग से अच्छा इसी प्रकार प्यार मिले और हम उसमें भी आगे बढ़ें, और उसमें काफ़ी सारे अनुभव भी साझा करेंगे हम, और बातों का भी जिक्र करेंगे, आसपास की बातों का, या ऐसी चीज़ें जिनका अक्सर हमें जिनसे पाला पड़ता है उनका जिक्र करेंगे। 134वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य, शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास चार, यानी कि क का चार किस में है, क का चार है एक में और दो में, अब हमें देखना है अगला ख क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी साहित्य की भूमिका है तीन, ख का तीन पहले में ही है, तो 134वें का उत्तर एक ही रहेगा, 134वां प्रश्न, और इसका उत्तर आ जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, 135वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में माधुर्य गुण का उदाहरण है, माधुर्य गुण जहाँ रति का भाव होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है, सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गाना, कुसुम के चुने कटोरी से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान, वह आता है दो टूक कलेजे से करता पछताता पथ पर आता, कंकण की किन नुपुर धुनी सुनी कहत लाखन सन राम हृदय पुनी, मानो मंदन दुदुम भी दीनी मनसा विश्व
विजयी कहे चीनी। ये देखिए यहाँ पर मदन यानी कि कामदेव दुदुम भी बजाने लगे। और जब ये बात हो जाती है तो क्या होता है, ये तो होता है हमारा माधुर्य गुण श्रृंगार रस। 135 का उत्तर रहेगा 3। उसके बाद आगे देखिए 136वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है इसमें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के गूटों को हम सब एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? ये पंक्तियाँ हमारी 8वीं क्लास से ली गई है और ये पंक्ति है प्रश्न नंबर 136। इनका कवि है भगवती चरण वर्मा। दो उत्तर सही है इसका, ये दूसरा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा है इनका, उसका उत्तर 136 और उत्तर दो। 137वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 137वें प्रश्न में कठपुतली कविता, यह भी कविता 6वीं 7वीं क्लास की है कठपुतली कविता। इसके रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर केदारनाथ अग्रवाल। अब आपने कल परसों अगर वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, ये कल ही मैंने वीडियो डाली थी और भवानी प्रसाद मिश्र है कठपुतली कविता के कवि। उसके बाद अगला है प्रस्तुत उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? जब प्रस्तुत उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? यानी कि 138वां प्रश्न, अभेदा एक ही धर्म एक जगह आकर दोनों जगह जब वो अर्थ प्रदान करता है उपमेय उपमान में भी आकर तो क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है? उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन, ठीक है हाँ बिल्कुल। तो 138वां प्रश्न है, इसका उत्तर रहेगा रूपक तो नहीं होता, उसमें तो उस पर आरोप हो जाता है, उपमा में तुलना हो जाती है, दृष्टांत में चमत्कार होता है, तो ये क्या होता है हमारा दीपक अलंकार होता है। 138वें का उत्तर आएगा दीपक अलंकार, क्योंकि दोनों जगह है, एक जिस प्रकार दिया होता है ना वो आगे और पीछे दोनों जगह रोशनी देता है, इसी प्रकार एक अर्थ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को देता है। उसके बाद अगला देख लीजिए 139वां प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? क्रीदंत या कृंत प्रत्यय जो है वो क्या होते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं। अब यहाँ पर देख ले 139वें का, चाल पढ़ाई झुकाव ये सारी जो है वो क्या है, क्रियाएं हैं। पढ़ना पढ़ धातु जो है वो नहीं है, तद्धित प्रत्यय है, तो इसलिए यहाँ पर क्या, पढ़ाई पढ़ना झुकाव ये भी क्रिया, पढ़ना भी क्रिया है, झुकाव भी क्रिया है, चाल भी क्रिया है, पांडित्य जो है वो नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये दो ऑप्शन रहेगा 139 का, दो रहेगा ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 140 का, वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्राहत वज्र से आहत, 140वां। अब वज्र से आहत से कौन से में आ गया, करण तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास है इसमें, चौथा आ जाएगा 140 का, 4 रहेगा 140 का 4। ये कई बार जो है ना निशान आ जाते हैं पहले के लगे हुए आ जाते हैं भाई, क्योंकि सीमित साधनों के साथ हम वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा हमारे पास साधन तो है नहीं वीडियो के, मोबाइल से ही बनती है, तो ये पहले का निशान आ जाता है अगर डिलीट ना हो तो, इसमें ज़्यादा संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको कि ये निशान कैसे आ गया। किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? पर उपसर्ग नहीं लगा, पर परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, पराक्रम, पराभूत, पर किए, पर साल। देखते हैं 141वां प्रश्न, पराक्रम पराभूत परापरा है दोनों में, पर नहीं है, तो 141 का 3 रहेगा यानी कि तीसरा ठीक है। उसके बाद आगे देखिए चौथा है हमारा अगला 142वां, पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? सौर सैनी मागधी पैसाची, तो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी इनका संबंध किससे है, सौर सैनी से है। तीसरा 142वें का, नहीं सॉरी, पूर्वी हिंदी तो अर्धमागधी से, सौर सैनी से तो जो है हमारी क्या है, खड़ी बोली वाली जो है पश्चिमी हिंदी है, सॉरी सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी है और पूर्वी हिंदी तो अर्धमागधी से है, तो दूसरा आएगा इसका। और पैसाची मागधी ये सारी मैंने करवा रखी है, बहुत अच्छे से करवाई थी अगर आपने ध्यान दिया हो तो अर्धमागधी से बनती है पूर्वी हिंदी, आगे पूर्वी हिंदी के फिर पार्ट बन जाएंगे कौन कौन से हैं उसके। उसके बाद 143वां, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस ऊन सही संधि विच्छेद है। 143वें का मुझे तो
प्लस ऊन बड़ा आना था, गलत है छोटा है। मत प्लस एक है, मत एक है, और महा प्लस औदार्य महोदार्य, एक प्लस एक एक एक, एक प्लस एक, ये सही है बिल्कुल। यानी कि ये तो यहाँ पे छोटा आ रहा है और ये यहाँ पर छोटी आ गई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। एक प्लस एक 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 आएगा, ये है चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, अब महा प्लस महोदार्य, महा प्लस औदार्य आना था यहाँ पे, एक के आना था यहाँ पे, ऊन आना था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 144वां। वन वितान रवि शशि दियो फल भख सलील प्रवाह है, अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? अब देखिए यहाँ पे कहता अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह है, किस बात की रस की बात की गई है? रस में यदि बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार रस, अवनि सेज पंखा पवन नहीं, सामान्य बात है, प्रेम वाली बात, हास्य, कोई मजाक भी नहीं है यहाँ पे, कोई करुणा का भाव भी नहीं है। तो 144 का मेरे हिसाब से तो शांत रस होना चाहिए इसमें, यानी कि ये होना चाहिए शांत रस तीसरा। ठीक है, देखिए अब प्रश्न नंबर है 145वां हमारा, और इसको देखते हैं। चंद ते लजात जल जात जग जानत है, आज जल जात ते लजात चंद देखी मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, दीपक है, दीपक तो नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, वक्रोक्ति और विभावना, हाँ विभावना अलंकार है इसमें, क्योंकि आज जल जात तिल जात चंद, वो शरीर को ही चांद के रूप में देख लेती है, न कारण होने पर भी कार्य हो जाना, वो विभावना होता है, तो इसमें विभावना अलंकार है, दूसरा रहेगा। ठीक है, 146वां प्रश्न देख लेते हैं। 146वें में क्या है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है, एक कहानी है भी, यह तो नहीं है, मनु भंडारी की है शायद ये, और उसने कहा था चंद्र दर्शन माँ गुलेरी मेरे बचपन के दिन, हाँ ये है, तीसरा ऑप्शन रहेगा, लाख की चूड़ियाँ भी नहीं है, ये सारे जो है ना ये मैंने करवाई है आपको एनसीईआरटी की बुक में। हरिगति का छंद का लक्षण नहीं है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है सर, बिल्कुल 28 होती है, 16-12 पर्यति होती है, बिल्कुल होती है, अंत में लघु गुरु ये भी होता है, यह मात्रिक विषम छंद है। अब हरिगति का जो छंद है यह प्रत्येक, जब प्रत्येक छंद में ऊपर हमने पढ़ लिया 28 मात्राएं होती है, जब प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होगी तो यह विषम छंद नहीं है, मात्रिक सम छंद है, तो चौथा ऑप्शन रहेगा इसका। 147 का उत्तर रहेगा हमारा 4। ठीक है, उसके बाद 148वें नंबर पे बढ़ते हैं। 148वां प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपभाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से है? पैसाची अपभ्रंश, ये भी मैंने प्रश्नोत्तर आपको करवाए थे जब मैं मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही थी, तो मैंने इसको बार बार ये रिपीट किए थे। 148वां, और इसका उत्तर रहेगा हमारा पहाड़ी खस लहंदा। लहंदा का संबंध पंजाबी और लहंदा दोनों पैसाची अपभ्रंश से है, और ये मैंने करवाई थी अच्छे से, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 149 करते हैं। अभिषेक प्रयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सो गुण मूर्ति सर्वेश की। मात्रिक, ये मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, ये देखिए मात्राएं, नहीं इतना समय मैं आपका नहीं लगाऊंगी, तो इसमें कभी छंद की वीडियो में अच्छे से इसको समझाएंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं। यह उलाला छंद है, क्योंकि मैंने जब की तैयार की थी तो पहले इसको मैंने अच्छे से निकाल के रख लिया था। उसके बाद 150वां देख लेते हैं, नंबर 150 देख लेते हैं। श्रुति कटु तव दोष प्रेम शक्ति से चिर निरस्तर हो जावेगी पाशवता, पाशवता कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टा, पर क्या न विश्वकृष्टा करती विचारोत्कटता, लचकती कैसी मधुर मन हर रही यह कमर। संस्कृति दोष है बिल्कुल है, सम्मिलित कीजिए पहला, उसके बाद लचकती, ये ग्राम्यतव दोष है ही, रिपुपति तिथ सदन है मुख तेरी रमणीय। अब इसका उत्तर देख लेते हैं हम क्या है 150वें का। पहले का कै जो है, श्रुति कटुतव दोष है, कवि के कटितर कर्म की करते हैं हम दृष्टा, यानी कि जो सुनने में कटु लगे, श्रुति कटुतव एक कै का दो, कै का दो कौन सा है, कै का दो एक में ही है,
तो जब एक हमारा एक में ही आ जाता है तो उत्तर लेना बड़ा आसान हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता हमें, और ये इसलिए इसका उत्तर एक रहेगा या 150 का एक। तो इस प्रकार उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। देखते रहिए पूरा चैनल को, प्यार प्रेम इसी प्रकार देते रहिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।